अब फ्रेंड्स हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, यानी मैट्रिक्स एडिशन में कौन कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो होती है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं, लेट ए बराबर ए आई जे, बी बराबर बी आई जे एंड सी बराबर सी आई जे बी द मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। क्योंकि पहले ए और बी जो है, ए बी और सी, इनका मैट्रिक्स का सम जो होगा वो तभी डिफाइन होगा, तब ये ऑर्डर सेम ऑर्डर के होंगे, इनके ऑर्डर यानी एम क्रॉस एन के सभी सेम ऑर्डर के होंगे। तो ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए, यानी कि कम्यूलेटिव लॉ फॉलो होता है। ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी, यानी एसोसिएटिव लॉ फॉलो होता है। के ए प्लस बी, यानी के का कोई मल्टीप्लाई कर दें हम ए प्लस बी में, दोनों के सम में, तो उसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, पहले के का मल्टीप्लाई ए में करें उसके बाद बी में करें। तो वेयर के इज द स्केलर, और ये जो कहलाता है लॉ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहलाता है। उसके बाद ए प्लस जीरो इक्वल टू ए एंड जीरो प्लस ए, जहाँ पे जीरो जो है वो जीरो मैट्रिक्स है, यानी जो ए मैट्रिक्स जिस ऑर्डर का है, एम क्रॉस एन ऑर्डर का है, तो जीरो मैट्रिक्स भी एम क्रॉस एन ऑर्डर का लेंगे, जिसमें सारी एंट्री जीरो होंगी। तो जीरो जो कहलाता है वो कहलाता है एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है इसकी। इस तरह से ए प्लस बी बराबर जीरो, बी प्लस ए बराबर जीरो अगर हो, तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि जो बी जो है वो एडिटिव इन्वर्स है ए का, यानी ए प्लस बी और बी प्लस ए बराबर जीरो हो, तो ए का एडिटिव इन्वर्स बी और बी का एडिटिव इन्वर्स ए, और जीरो जहाँ पे जीरो मैट्रिक्स होता है फ्रेंड्स। तो इस तरह से ये एडिटिव इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है किसी भी मैट्रिक्स के लिए। ए प्लस बी बराबर ए प्लस सी हो, तो उस कंडीशन में हमारे पास कैंसिलेशन लॉ, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ जो होता है, यानी ए से हम ए को काट सकते हैं, इसे से इसे को काट सकते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ फॉलो होता है। इसी तरह से राइट कैंसिलेशन लॉ, बी प्लस ए और सी प्लस ए हो तो ए से ए काट सकते हैं और बी इक्वल टू सी होगा, तो ये राइट कैंसिलेशन लॉ भी इसमें फॉलो होता है। द इक्वेशन ए प्लस एक्स इक्वल टू जीरो हैज अ यूनिक सॉल्यूशन वेयर एक्स इज ऑर्डर एम क्रॉस एन, यानी कोई हमारे पास इक्वेशन है ए और प्लस एक्स, यानी ए और दोनों मैट्रिक्स जो हैं सेम ऑर्डर के हैं, बेसिकली एक्स में जो है वो हमारे पास अननोन है, तो उस कंडीशन में जो एक्स है वो एक यूनिक सॉल्यूशन रखेगा, यानी एक्स की वैल्यूज जो होंगी एक यूनिक होंगी, कि एक्स का एक ही मैट्रिक्स मिलेगा हमें, जिसके लिए ये मैट्रिक्स ये कंडीशन सेटिस्फाई होंगी।